हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण भगवान का काम है और भगवान के काम में श्रेय लेने वाले दुष्ट होते हैं। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि वह दुष्ट नहीं है, वह तो अपनी डॉक्टरी छोड़कर बरसों से राम जी के काम के लिए निकले हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी में उनकी भूमिका गिलहरी जैसी होगी। उन्होंने कहा कि आज वह हाथरस उन हिंदुओं को धन्यवाद देने के लिए आए हैं जिनके सवा सवा रुपए के योगदान से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और उन कार सेवकों को धन्यवाद देने के लिए आए हैं जिनके प्रयासों से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में ही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद थे और फिर 24 जनवरी को भी उन्होंने काफी कार सेवकों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। विश्व हिंदू परिषद से अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब इतिहास का विषय है, वह भी हिंदू हित के लिए ही काम कर रहे हैं और मैं भी हिंदू हित के लिए ही काम कर रहा हूं। आगे प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं द्वारा दिए गए सवा सवा रुपए से बन रहा है। ये मंदिर उन लाखों कार सेवकों की वजह से बना है जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर कार सेवा की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सम्मान के लिए पिछले 500 साल से लड़ाई लड़ी जा रही थी। राम मंदिर के लिए हमेशा अयोध्या और अवध के लोग ही लड़ते थे। जब पूरी दुनिया का हिंदू एकजुट हो गया और लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच गए तब मंदिर का आंदोलन तेज हुआ। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के इतिहास पर भी विस्तार से कार्यक्रम में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, इसलिए अब सभी हिंदुओं के चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए। आपने शुरुआत की थी अशोक सिंघल जी आपके साथ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बनाने की क्या आवश्यकता है? ये इतिहास का हिस्सा है। वर्तमान में राम मंदिर बन गया है, उनकी खुशी मनाए। सभी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, वह भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और एक परिवार में 4 भाई भी होते हैं तो आप पूछोगे 4 भाई क्यों है, एक क्यों नहीं है? अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट राम मंदिर देखने के बाद जितनी खुशी होती है उतनी खुशी करोड़ों हिंदुओं के घरों में वापस लौटे, यही हमारा अगला लक्ष्य होगा। मथुरा और काशी को लेकर? अरे वह तो होना ही है, होना ही है। आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? हमारी गिलहरी की भूमिका रहेगी जो राम मंदिर के लिए रही, और हम